ये हम लोग क्वेश्चंस हैं ईयरली वो सॉल्व कर रहे हैं। मैं 19 से स्टार्ट कर रहा हूँ सॉल्व करना, तो फिर बाद में लेटर ऑन मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा जो जो क्वेश्चंस हैं बेटा, तो फिर नेक्स्ट सेशन में फिर मैं वो जो क्वेरीज वाले क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करा दूंगा। अभी हम लोग जो इसमें सॉल्व कर रहे हैं इसमें ये समर 19 का पेपर है बेटा, और ये पेपर है 1-2। तो इससे कुछ रिलेटेड क्वेरीज बच्चों की काफी आई थी, तो दैट्स व्हाई आई पिक दिस क्वेश्चन पेपर। इसमें से बहुत कंटिन्यूअसली क्वेश्चन आ रहे थे इसी पेपर के। तो इसमें बेटा पहला क्वेश्चन ये है कि विच रीडिंग इज गिवन टू 1/10, विच रीडिंग इज गिवन टू 1/10 ऑफ मिलीमीटर। अच्छा, 1/10 का मतलब तो हम सबको पता है कि 1/10 का मतलब है 1/10, यानी एक डेसिमल प्लेस। जब हम कहते हैं 1/10 तो इसका मतलब है 1 डेसिमल प्लेस, अगर आप डेसिमल प्लेस को सोचते हैं। अगर मैं 1/100 की बात करूंगा तो 2 डेसिमल प्लेस होंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह से हम इसको सोचते हैं। तो ये जो है यहाँ पर जो क्वेश्चन के अंदर ट्रैप है वो ये है कि 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर, और जो ऑप्शंस हैं वो आपके पास सेंटीमीटर में गिवन है। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। तो अब मैंने जो इसको सॉल्व किया था, मैं आपको अपनी ट्रिक बता रहा हूँ। मैं सबको जितने भी ये सेंटीमीटर में आंसर्स हैं अगर मैं इन सबको मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करूं तो ये बनेगा 33 मिलीमीटर, ये बनेगा 33.1 मिलीमीटर, ये बन जाएगा 33.10 मिलीमीटर, ये बन जाएगा 33.12 मिलीमीटर। मैंने इन सब सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब मेरे पास जो ऑप्शन एक डेसिमल प्लेस पे है वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो इन दिस केस बी इज माय करेक्ट ऑप्शन, तो बी जो है वो मेरा आंसर बनेगा। ये मैंने यहाँ पे चूज कर लिया, ठीक है। तो अगर किसी को जहन में कोई क्वेरी हो, कोई मसला हो, तो प्लीज मुझे फिर आप लोग जो है व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं उस पे जो है फिर आप लोगों को जो भी आंसर होगा वो आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा आसान सा क्वेश्चन था पहला पहला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अ वुमन रन्स 2 किलोमीटर, ठीक है। ये 2 किलोमीटर्स के लिए वुमन जो है वो रन कर रही है फ्रॉम एक्स टू वाई इन 20 मिनट्स, ठीक है, एंड देन रेस्ट एट वाई फॉर 10 मिनट्स। शी देन टेक्स 10 मिनट्स टू रन, वो 10 मिनट्स 1.6 किलोमीटर वाई से जी पे ट्रेवल करके जा रही है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर अब हमने सोचना है कि हमें फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड करना है बेटा इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि इसने फाइंड क्या करने का, एक मिनट में हाईलाइट करूं। व्हाट इज द साइज ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का उसने आपसे साइज पूछा है। उसने ये कहा है कि आप एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन कर दें यहाँ पे, कितना उसका मैग्नीट्यूड होगा एवरेज वेलोसिटी का। तो दो चीजें हमने पढ़ी थी काइनेमेटिक्स में, एक है एवरेज स्पीड और एक है एवरेज वेलोसिटी। तो अगर बेटा यहाँ पर हम एवरेज वेलोसिटी को कंसीडर करें तो एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो भी आपके ऑब्जेक्ट ने कवर किया, अपॉन टोटल टाइम। ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बनेगी, ये है एवरेज वेलोसिटी की। अगर मैं लिखना चाहूँ एवरेज स्पीड, तो एवरेज अगर मैं यहाँ पे स्पीड मेंशन करूँ तो वो बनेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये हमारे पास यहाँ पे सिचुएशन बन रही है। अब हमें एवरेज वेलोसिटी चाहिए ना, तो फॉर दैट एवरेज वेलोसिटी हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमारे पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हमें उसको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक मिनट, तो यहाँ पर हमारे पास जो है एवरेज वेलोसिटी के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो
तो जो एवरेज यहाँ पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट बनेगा, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जी, ठीक है, एक्स और जी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके पास बनेगा। यानी अगर मैं आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन रिकॉल कराऊं, तो हम कहते थे जो डिस्प्लेसमेंट है इट्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, जो भी जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट है इसका और जो एंडिंग पॉइंट है इसके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपके पास बन जाएगा बेटा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। तो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जो डिस्प्लेसमेंट हमें नजर आ रहा है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें नजर आ रहा है इस डायग्राम में एक्स टू जी, ये जर्नी एक्स से स्टार्ट हो रही है और ये एंड जो है वो जी पे हो रही है। तो ये जो 2.4 किलोमीटर है ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट रख दिया 2.4। अब जर्नी का टाइम देखते हैं, तो ये जर्नी का टाइम है ये हमारे पास कितना बन रहा है बेटा ऑप्शंस में, मिनट्स में उसने ऑप्शंस दी हुई है। तो पहले x टू y 20 मिनट्स है, ठीक है, और फिर y टू z जो है वो आपके पास 10 मिनट्स है, तो ये आपके पास और 10 मिनट का उसने स्टे किया है, तो ये आपके पास टोटल बन गया बेटा। टोटल जर्नी का टाइम कितना बना, पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, तो ये आपके पास 20 मिनट्स यहाँ पे, 10 मिनट्स बेटा यहाँ पे स्टे किया और फिर 10 मिनट्स उसने यहाँ पे ट्रेवल किया। तो टोटल टाइम फॉर द जर्नी कितना बनेगा, 20 + 10 + 10 दिस इज 40 मिनट्स, तो टोटल टाइम 40 आ गया बेटा। 2.4 को 40 पे मैं डिवाइड करता हूँ, एक मिनट कैलकुलेटर निकालू मैं, 2.4 / 40, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 0.06 किलोमीटर पर मिनट आ रहा है। तो जो मेरे पास ऑप्शन बन रही है दैट इज द ऑप्शन ए, तो ये ऑप्शन ए यहाँ पे मेरे पास आंसर बन रहा है। तो ये हमने कैसे फाइंड किया बेटा, ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है एवरेज वेलोसिटीज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको रिकॉल कराया इट्स द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, और उसके बाद जर्नी का जो टोटल टाइम है वो आपने काउंट कर लिया, पहले 20 मिनट्स के लिए उन्होंने y टू z मेरे ख्याल से x टू y 20 मिनट्स के लिए उन्होंने ट्रेवल किया, मैंने उल्टा लिख दिया x टू y, फिर उसके बाद 10 मिनट्स का उन्होंने स्टे किया, उसके बाद बेटा y टू z के लिए उन्होंने 10 मिनट्स कंज्यूम किए, तो टोटल टाइम आपके पास जो बन रहा है वो 40 मिनट्स बन रहा है। इस 2.4 को 40 पे डिवाइड किया वी गेट 0.06 किलोमीटर पर मिनट, ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया बेटा। तो मेरा ख्याल है इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत आसान क्वेश्चन है। अ साइक्लिस्ट है दैट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट 8 meters per second, तो बेटा ये जो 8 meters per second की इंफॉर्मेशन है, ये जो 8 meters per second है ये हमारे पास क्या होगा, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई यू, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये एक्सेलरेट करता है टू 12 meters per second, ये हमारे पास इसकी होगी फाइनल वेलोसिटी वी। उसके बाद ये कह रहे हैं इन अ टाइम ऑफ 6 seconds का इसने इस जर्नी के अंदर टाइम लिया। अब वो चाहता क्या है एग्जामिनर, वो एग्जामिनर ये चाहता है कि विच एक्सप्रेशन गिव्स साइक्लिस्ट्स एक्सेलरेशन, आपको एक्सप्रेशन लिखनी है, उस एक्सप्रेशन के अंदर जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को प्लेस करना है। तो वी नो दैट एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो बेटा फाइनल वेलोसिटी आपके पास 12 है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 8 है और जो टाइम है वो 6 है, तो ये आपके पास जो अगर आप इसके सिर्फ टाइम के फैक्टर को ही अगर आप कंसीडर करें तो आपको यहाँ पे 12 - 8 नजर आ रहा है ये गलत है, यहाँ पे 12 - 6 नजर आ रहा है ये गलत है, यहाँ पे टाइम आपको 8 नजर आ रहा है ये भी गलत है, द टाइम ओवर हियर इट्स 6, तो ये एक वाहिद ऑप्शन है जहाँ पे टाइम को उसने करेक्टली रखा है और आपके पास ये वी आ गई और ये यू आ गई, तो योर आंसर इज डी, आपके पास जो आंसर बन रहा है
दैट इज ऑप्शन डी। तो मेरा ख्याल है इसमें भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये काइनेमेटिक्स के ग्राफ से रिलेटेड है। तो ये इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले छोटा सा रिव्यू करते हैं, रिकॉल करते हैं चीजों को। देखिए हमने ग्राफ्स पढ़े हैं फिजिक्स में, हमने बहुत डिटेल में ग्राफ सोचे हैं, और ग्राफ्स का जो बिहेवियर आपको हम समझाने की कोशिश करते रहे वो बिहेवियर हमेशा दो तरह से होता था। राइट नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन स्लोप। स्लोप का मतलब है ग्रेडियंट, स्लोप का मतलब है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट के लिए मैंने आपको कुछ शेप्स कहे थे, उनका मतलब भी समझाया था, कुछ याद करने में काम दिया था। तो अब आई विल ड्रॉ दोस शेप्स, मैं उन शेप्स को यहाँ पे ड्रॉ करूंगा उनका। पहले तो हम ग्रेडियंट का जो शेप्स हैं उनको शेप्स का इन टर्म्स ऑफ ग्रेडियंट या स्लोप मतलब दिखेंगे, ठीक है। कुछ मैंने शेप्स आपको दिए, पहले मैं यहाँ पे ये शेप्स ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारे पास इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, फिर हमारे पास एक इस तरह की लाइन है, फिर हमारे पास इस तरह की लाइन। ये हमारे पास ग्राफ वन, दिस इज टू एंड दिस इज थ्री। तो अब इनकी अगर हम इनको अगर एक्सप्लेन करें, देखें स्लोप का मतलब हमें पता है, स्लोप का मतलब होता है राइज अपॉन रन। तो अगर आप इस लाइन को देखें तो ये तो राइज कर ही नहीं रही, तो जब ये राइज नहीं कर रही तो इसका मतलब ये स्लोप आपके पास हो गया जीरो। या इन अदर वर्ड्स जिन्होंने मैथ में इसको पढ़ा है इस तरह से, तो उनको पता है कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स स्लोप है। तो डेल्टा वाई इन दिस केस यहाँ पे क्या होगा, इन दिस केस यहाँ पे डेल्टा वाई जीरो। तो यहाँ से मैंने आपको याद करने को कहा था, मैंने कहा था वेन एवर देर इज हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर आपके पास एक ग्राफ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आपको नजर आए तो आपने समझ जाना है कि इसका जो स्लोप है दैट इज जीरो, इसका स्लोप जीरो होगा, ठीक है। उसके बाद बेटा ये जो ग्राफ की जो ये सेकंड हमने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, इस सेकंड ग्राफ को अगर हम यहाँ पे सोचते हैं तो इस सेकंड ग्राफ के लिए यहाँ पर अगर आप उसका राइज अपॉन रन देखें तो ये राइज अपॉन रन एक कॉन्स्टेंट रेशियो के साथ है और ये इंक्रीज हो रहा है। और कैसे इंक्रीज हो रहा है, जिस रेशियो से एक्स बढ़ रहा है उसी रेशियो से वाई भी बढ़ रहा है, यानी राइज अपॉन रन जो है वो कॉन्स्टेंट है। तो हमने इसके लिए कहा था ये स्लोप क्या होगा, ये स्लोप होगा पॉजिटिव और ये स्लोप होगा कॉन्स्टेंट, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे तीसरी लाइन बेटा आपको ये याद करवाई थी कि अगर आपके पास ये इस तरह का ग्रेडियंट अगर आपको मिलता है तो यहाँ पर देखो मैंने कहा था जब x पे वैल्यू जीरो है और y पे वैल्यू मैक्सिमम है तो, और उसके बाद सर्टेन टाइम x पे जाके, ठीक है, आपके पास y की वैल्यू जो है वो जीरो बन रही, तो इसका मतलब ये डिक्रीज कर रहा है। जो बिगिनर्स लेवल पर बिल्कुल पहली पहली क्लास में स्लोप को ऐसे ही सोचा था, और अब इस लेवल पे आके एग्जाम पे आकर हम लोगों को पता है कि यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये स्लोप हमारे पास या ग्रेडियंट हमारे पास क्या है, इट्स नेगेटिव, ये डिक्रीज कर रहा है लेकिन है ये कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट रेट से, जिस रेट से वाई जो है वो आपके पास कॉन्स्टेंट रेट से क्या हो रहा है, टाइम यानी एक्स एक्सिस बढ़ रहा है, वाई एक्सिस पे आपके पास कॉन्स्टेंट रेट से डिक्रीज आ रहा है, तो इसको नेगेटिव कॉन्स्टेंट ग्रेडियंट कहा जाएगा। तो तीन बड़े बेसिक ग्रेडियंट्स होते हैं स्ट्रेट लाइंस के। तो एक आपके पास जो बच्चों को प्रॉब्लम करता है ये वो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके बाद ये ग्राफ टू है, ये ग्राफ थ्री है, ये तीन शेप तो आपको याद होने चाहिए। उसके बाद बेटा कर्व्स मैंने सिखाए थे और उन कर्व्स की ट्रिक भी मैं आपको दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। अगर मेरे पास ये ग्राफ है और उस ग्राफ के ऊपर जो ग्राफ की लाइन है वो कुछ इस तरह से जा रही है, तो इसके लिए हमने कहा था कि ये हमारे पास क्या होगा, ये ग्राफ जो है ये डिक्रीजिंग है। और मैंने इसको कैसे, बहुत सारी ट्रिक्स थी, एक शॉर्टकट पे मैंने आपको समझाया था एक पाकिस्तानी तरीका कि ग्राफ को अगर आप देखें, इफ ग्राफ इज बेंडिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, तो मैंने कहा था अगर ये एक्स एक्सिस पे बेंड करेगा तो समझ जाना कि ये यहाँ पे ग्राफ क्या कर रहा है, ग्राफ यहाँ पे बता रहा है कि ये जो स्लोप है इसका वो डिक्रीज कर रहा है।
तो ये जो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है ये डिक्रीजिंग है। बाकी ए लेवल्स में आएंगे तो मैं अदर और ट्रिक्स इसकी और भी होती है उसको उस वक्त देखेंगे। फिलहाल आप इसको एग्जाम में जाने से पहले याद रखें, अगर ग्राफ की लाइन कर्व है और वो एक्स एक्सिस की तरफ बेंड हो रही है तो इसका मतलब ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीज कर रहा है। अब इसको उलट कर दो बेटा, अगर यही लाइन टुवर्ड्स वाई एक्सिस जाएगी तो जो आपका जो ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या बताएगा, वो ये बताएगा कि यार ये तो इंक्रीज हो रहा है। अगर टुवर्ड्स एक्स एक्सिस जा रहा है डिक्रीज हो रहा है तो टुवर्ड्स वाई एक्सिस जब ये लाइन जाएगी, देखो ये टुवर्ड्स वाई एक्सिस बेंड हो रही है, ठीक है, वर्टिकल ये लाइन हो रही है यहाँ पे अगर आप देखें इस जगह पे, तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपके पास ग्राफ जो है ये इंक्रीज हो रहा है। अगर आपकी ये इंक्रीजिंग स्लोप है, अगर आपकी ग्राफ की लाइन y एक्सिस की तरफ बेंड हो तो टुवर्ड्स y एक्सिस अगर बेंड हो रही है तो आप समझ जाएं कि ये ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है। ये बेटा पांच शेप मैंने पहली क्लास में जब काइनेमेटिक्स के ग्राफ डिस्कस किए थे तब भी ये पांच शेप पे थे, ये आपको याद होने चाहिए, कब जीरो होगा, कब पॉजिटिव कॉन्स्टेंट होगा, कब नेगेटिव होगा, कब ग्राफ का ग्रेडियंट डिक्रीज कर रहा है और कब ग्राफ का ग्रेडियंट इंक्रीज कर रहा है। ये बेसिक चीज है, ये आपको रिकॉल होनी चाहिए काइनेमेटिक्स से ग्राफ से, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में ग्राफ का आएगा। अब मैं मूविंग बैक टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, अच्छा इसमें फिर दूसरी बात भी शायद आप लोगों को भूल ना गया हूँ, मैं एक दफा रिकॉल करा देता हूँ। अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है काइनेमेटिक्स में, तो आपने आपको लिखवाया था मैंने स्टेप वन, आपने क्या किया स्टेप वन में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपने क्या करना है, आपने ग्राफ का शेप देखना है, उस शेप से आपने स्टेप टू आपने किसको आइडेंटिफाई करना है, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी वेलोसिटी की, क्योंकि बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है या जो स्लोप है वो आपको वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो मोशन की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो आपने शेप देखना है, शेप से आपको वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब ये जो मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ इसको मैं भी जस्टिफाई करता हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जो अभी यहाँ पे हमें मिला है। देखिए ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे पास है, अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे पास है और इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ के मैं यहाँ पर तीन पोर्शंस बना देता हूँ और उन तीन पोर्शंस को मैं डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये रेडिश पोर्शन आ गया, फिर एक ये, ठीक है, इनको मैं लेबल भी कर देता हूँ, दिस इज वन, दिस इज टू एंड दिस इज थ्री। अब बेटा ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अब जरा लॉजिकली सोचते हैं हम इस ग्राफ के शेप को देखकर। पहली बात तो हमें पता है कि यार ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो इसका जो स्लोप हमें इंफॉर्मेशन देगा वो देगा वेलोसिटी या मोशन के बारे में, यानी स्पीड के बारे में। अब आपने जब ग्राफ का शेप वन देखा तो आपने कहा ये तो वेलोसिटी जो है कांस्टेंट इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, बल्कि कांस्टेंट इंक्रीज नहीं, कांस्टेंट है यहाँ पे वेलोसिटी, ग्रेडियंट कांस्टेंट है ना बेटा, स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट, तो इसका मतलब वेलोसिटी आपके पास क्या है बेटा, कांस्टेंट है। उसके बाद अब आपने सोचा इस वाले शेप को, शेप नंबर टू को, यहाँ पर आपने देखा तो आपने देखा ये लाइन टुवर्ड्स, ये देखें ये लाइन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस पे बेंड हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये स्लोप क्या हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब जब स्लोप डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग है। अगर आप थ्री नंबर को देखें तो थ्री नंबर के ऊपर अगर आप यहाँ पर देखें तो इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो आपने कहा यार हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है स्लोप जीरो है, इसका मतलब है वेलोसिटी जीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी ऑब्जेक्ट है, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है बेटा, मैं आपको ग्राफ का सिर्फ एक एप्लीकेशन समझाने के लिए इसको बगैर क्वेश्चन पढ़े इसको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको ये नजर आया है कि शुरू में आपके पास स्लोप कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब इनिशियली द वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, यहाँ पे आपने सोचा वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, फिर आपने सोचा यार ये वेलोसिटी तो डिक्रीज कर रही है, फिर आपने सोचा ये डिक्रीज करके वेलोसिटी जीरो हो गई। तो ये तीन मोशंस इसमें आई, एक ऑब्जेक्ट है जो पहले कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, फिर वो ऑब्जेक्ट क्या करता है उसकी स्पीड कम होती है, फिर वो रेस्ट में आ जाता है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, पार्ट थ्री में ये रेस्ट पे है। मेरा ख्याल है यहाँ से ग्राफ का ये कॉन्सेप्ट, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए,
तो अब जरा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि द डायग्राम शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट मूविंग है, ठीक है, रेस्ट पे नहीं है। व्हाट इज द मूविंग ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कौन सा है? देखिए, हमने इस ग्राफ को इंटरप्रेट तो कर लिया, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मूव करते हुए ये ब्रेक लग रही है या कुछ भी हो रहा है, इसकी स्पीड कम हो रही है, उसके बाद ये रेस्ट पे आ, ठीक है, ये हमारे पास सिचुएशन बन गई। अब इसने जो ऑप्शंस हमें दी है, हम उन ऑप्शंस को फिगर आउट करते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड फॉलिंग बैक टू द थ्रोअर, तो जब अपवर्ड जा रहा है बेटा उस वक्त भी वो मोशन में है, जब डाउनवर्ड आ रहा है उस वक्त भी मोशन में, जबकि इस ग्राफ के अंदर इसमें ये एक पर्टिकुलर रीजन है जहां पे ये रेस्ट में आ रहा है। तो इस ऑप्शन के मुताबिक, ऑप्शन ए के मुताबिक, तो ये कहीं पे भी रेस्ट में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन ए हमारे पास गलत हो गई। फिर हमने ऑप्शन बी को रीड आउट कर लेते हैं। ऑप्शन बी में कह रहे हैं कि एक कार है और ये कार जो है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो ये तो बेटा रेस्ट पे है ही नहीं। ग्राफ का जो फर्स्ट पोर्शन हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या है बेटा, कांस्टेंट है, ये तो रेस्ट से स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि ऑप्शन जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन आ रही है, इस ऑप्शन के अंदर ये कह रहे हैं अ रॉक इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाई क्लिफ, ठीक है, और फॉलिंग इनटू द सी बिलो। अच्छा, ये जब नीचे की तरफ गिर रही है, तो बेटा जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है उसकी तो स्पीड बढ़ती जाती है, तो इसका मतलब यहाँ पर तो ये स्पीड इनिशियली उसने कहा, हमें ग्राफ से पता लग रहा है ये स्पीड कांस्टेंट है, और जब कोई बॉडी नीचे को गिर रही होती है उसकी स्पीड तो बढ़ रही होती है, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास सी ऑप्शन है दैट इज इनकरेक्ट एज वेल। तो अल्टीमेटली अब बगैर पढ़े हमें पता लग गया कि यार डी आंसर है। अब डी को देख लेते हैं है क्या। तो डी ऑप्शन में ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है ये अ ट्रेन जो है इज ब्रेकिंग, यानी ट्रेन कांस्टेंट स्पीड पे होगी फिर वो ब्रेक लगा रही है, तो ये यहाँ पे डिक्रीज हो रही है उसकी वेलोसिटी, ये पता लग रहा है। देन स्टॉप्स एट अ स्टेशन, तो ये स्टॉप कर रही है यानी रेस्ट पे आ गई, ये लास्ट वाला पोर्शन, यानी द मोमेंट गाड़ी ने ब्रेक लगाना शुरू की उस वक्त उसकी स्पीड कांस्टेंट थी, उसके बाद गाड़ी ने ब्रेक लगाई तो वो डिसेलरेट कर रही है, उसकी स्पीड कम हो रही है, और उसके बाद इवेंचुअली स्टेशन पे आके गाड़ी रुक गई। तो आर करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। वैसे ही हमें तीन ऑप्शंस गलत थे पता लग चुका था, लेकिन फिर भी इसको हमने वर्कआउट कर लिया, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए बन गया ऑप्शन डी। तो मेरे ख्याल है इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट फोर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेज दैट एक्ट बिटवीन बॉडीज इन द सोलर सिस्टम लिस्टेड बिलो। अच्छा, फोर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस उसने यहाँ पे मेंशन कर दी है, तो इन फोर ग्रेविटेशनल फोर्सेस में अब देखना पड़ेगा, तो ये बिटवीन द बॉडीज, ये सोलर सिस्टम ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, पी द फोर्स ऑन द मून ड्यू टू अर्थ, द फोर्स ऑन द मून ड्यू टू अर्थ। अच्छा, ये इस चीज से भी पहले, अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले अगर हम अपने सिलेबस को थोड़ा सा रिकॉल करें और हम देखें कि भाई ये कौन सा ऐसा डायमेंशन है जिसको हमें एग्जामिन कर रहा है, एग्जामिनर हमसे कौन सा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर चेक कर रहा है वो हमारा, तो बेटा यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हमारा एग्जामिन हो रहा है दैट इज नोन एज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है, ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ की एग्जाम्पल होती है बेटा। और न्यूटन्स थर्ड लॉ हमें क्या बताता है, जैसे फर्ज करते हैं बेटा ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग में ये दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है फोर्स लगाएंगे, और ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। और हमें पता है ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है, अगर फर्ज करते हैं मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ए कह लेता हूँ और इसको बी कह लेता हूँ। अब याद करें, अगर आपको याद हो तो बहरहाल मैं इसको रिकॉल करा देता हूँ। अब जरा इस फोर्स को, ये वाली जो फोर्स है जिसको मैं इस वक्त मैंने जूम कर दिया, ये फोर्स किस पे लग रही है, ये ए पे लग रही है। अच्छा बेटा, अब इस फोर्स को हम कैसे सोचते थे, हम कहते थे ये एक फोर्स है जो किस पे लग रही है, ए पे लग रही है। पहले हमने ए को लिखा, किसने लगाई है, बी ने लगाई है, याद आ गया, ये मैंने लिखना ए
बी या बी ए लिखते थे, तो इसका मतलब कैसे मैंने सिखाया था, ये फोर्स है, फोर्स एफ, ये किस पे लग रही है, ये ए पे लग रही है, किसने लगाई है, बी ने लगाई है, तो एफ ए बी का मतलब क्या बन गया, एफ ए बी का मतलब बन गया, एफ ए बी का मतलब है फोर्स ऑन ए बाय बी, ठीक है। अब ऐसी बेटा जरा इसको सोचो, बी को, तो ये फोर्स जो बी पे लग रही है, ये फोर्स लग रही है बी पे, किस पे लग रही है, बी पे, किसने लगाई है, ए ने, तो दिस इज फोर्स ऑन बी बाय ए। बड़ा आसान काम है, पहले सबसे पहले सोचो किस पे लग रही है और फिर सोचो किसने लगाई है। तो पहले ये फोर्स लग रही है आपके पास जो है, ये बी पे फोर्स लग रही है, किसने लगाई है, ए ने। अब थोड़ी देर के लिए इसको जरा यूं सोचे कि अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं कि ये आपके पास बेटा ये मून है और ये अर्थ है, ठीक है। अब जरा क्योंकि आपको पता है ना कि न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है, तो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है तो वो दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन होती है, यहाँ पे यही चीज बन रही है, ठीक है। तो अगर आप इसको यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये, अब मैं दोबारा से इसको लिख रहा हूँ, ये फोर्स एफ ए बी को अगर मैं यूं सोचूं, ये फोर्स है, किस पे लग रही है, मून पे लग रही है, कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है, तो दिस इज फोर्स ऑन मून बाय अर्थ। ऐसे जरा इसको सोचें, दिस इज फोर्स ऑन अर्थ, अर्थ पे फोर्स लग रही है, कौन लगा रहा है, बाय मून। तो हमेशा यहाँ पर समझाना ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो फोर्स लगती है वो दो बॉडीज के सिस्टम पे लगती है, अर्थ मून पे और मून अर्थ पे लगा रहा है। ऐसे अगर सन और अर्थ को सोचो तो सन अर्थ पे फोर्स लगाएगा और अर्थ सन पे फोर्स लगाएगी। मेरी बात क्लियर होगी? तो मेरा ख्याल है कि अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो हमने पढ़ी हुई है सिलेबस में वो रिकॉल हो जाए, तो यहाँ से मेरा ख्याल है इस एक्सप्लेनेशन से इसको हेल्प आउट होना चाहिए। तो बेटा ये पहला जो फोर्स पी है, तो द फोर्स ऑन द मून ड्यू टू अर्थ, ठीक है, फोर्स ऑन मून ड्यू टू अर्थ, यानी अर्थ ने जो मून पे फोर्स लगाई। फिर क्यू है द फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू सन, ठीक है, और आर क्या है बेटा, आर आपके पास है द फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मून। अब बेटा जो सिस्टम बन रहा है, मैंने क्या कहा था, जो सिस्टम बन रहा है वो हमेशा दो बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगा रही होती है ना, तो अगर आप पी और आर को देखें तो ये एक ही सिस्टम बन रहा है, अर्थ मून पे और मून अर्थ पे फोर्स लगा रही है। अब जरा एस को पढ़ लेते हैं, एस में वो क्या कह रहे हैं, एस के अंदर ये कह रहे हैं द फोर्स ऑन मून, कौन लगा रहा है, सन लगा रहा है, तो मून और सन का यहाँ पे सिस्टम बनाया गया, और ऑप्शन जो क्यू है ये अर्थ और सन का सिस्टम बनाया गया, तो इसका मतलब ये है कि ये Q और S ये दोनों फोर्सेस न्यूटन थर्ड लॉ की फोर्सेस नहीं है। अगर अर्थ मून पे फोर्स लगा रही है तो मून अर्थ पे लगाएगा, अगर अर्थ सन पे फोर्स लगा रही है तो सन अर्थ पे लगाएगा, ठीक है। तो अगर ये टाइम खत्म हो जाए तो सेम लिंक को यूज करके हमने कनेक्ट करना है बेटा। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शंस हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो ये पूछ रहे हैं कि विच टू फोर्सेज आर न्यूटन थर्ड लॉ पेयर, न्यूटन थर्ड लॉ का एक्शन और रिएक्शन का पेयर कौन सा बनेगा, तो बेटा यहाँ पर आपको ये दो फोर्सेस नजर आ रही हैं पी एंड आर, तो ऑप्शन बी जो है दैट इज आर करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ये दोनों हमारे पास एक्शन और रिएक्शन का पेयर बन गए। मेरा ख्याल है कि ये बात यहाँ पे सबको क्लियर हो गई है, इसमें कोई ऐसा हमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी एक्शन और रिएक्शन की बात करेंगे तो दो बॉडीज होंगी, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रही होंगी, तीसरी कोई बॉडी बीच में इन्वॉल्व नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट है अ पैराशूटिस्ट, एक पैराशूटिस्ट है बेटा, इसका मास है 60 किलोग्राम, फॉल्स एट अ स्टेडी स्पीड, यानी स्पीड उसकी कॉन्स्टेंट है 10 meters per second, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी इज 10 newtons per kilogram, What is the upward force acting on the parachutist? तो जब parachutist जो है वो fall कर रहा है और वो steady speed है, तो steady speed का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये एक object है और ये object इसके ऊपर forces सोचे, तो ये इसका force
एक वेट है और एक इस पे अपवर्ड रेजिस्टिव फोर्स लग रही है। अगर बेटा इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक जो नेट फोर्स है वो जीरो होगी। तो इसका मतलब ये है, देखिए फोर्सेस को अगर मैं आपको थोड़ा सा और रिकॉल कराऊं, हम सोचते थे कि यार ये अगर 10 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, तो हम 10 में से 5 को माइनस करते थे और उसको इक्वेट करते थे नेट फोर्स से, और इस केस में जो नेट फोर्स आपके पास बनेगी वो बनेगी 5 न्यूटन। बिल्कुल सेम यही चीज़ बेटा आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है। तो अगर आप इसको यूँ सोचें कि वेट है, वेट में से अपवर्ड फोर्स को माइनस करें तो दैट इज इक्वल टू नेट फोर्स, बट इन दिस केस जो नेट फोर्स है दैट नेट फोर्स इज जीरो। तो वेट माइनस एफ अपवर्ड इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब वेट इज इक्वल टू एफ अपवर्ड, इसका मतलब जो इस क्वेश्चन में उसने हमसे अपवर्ड फोर्स पूछी है वो किसके इक्वल है, वो वेट के इक्वल है। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बेटा इस क्वेश्चन के मुताबिक वेट इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि अपवर्ड फोर्स जो है वो वेट के इक्वल है और वेट में मास आपके पास 60 है और जी की वैल्यू 10 है, तो हमारा आंसर बनेगा 600 न्यूटन। तो हमारा आंसर बन गया ऑप्शन डी। तो ये मेरा ख्याल से यहाँ पे ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ फोर्स मूव्स अ बॉक्स अप अ रफ स्लोप। रफ स्लोप है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि ये स्लोप जो है ये रफ है। जब भी बेटा कोई सरफेस रफ होती है तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन प्रेजेंट है। द मोमेंट हमने रफ स्लोप पढ़ा तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, फ्रिक्शन को इग्नोर नहीं किया, यहाँ पर फ्रिक्शन है इस बॉडी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये सरफेस रफ है और बेटा कहाँ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। तो अपवर्ड का मतलब अप द स्लोप, ये मैं एरो ड्रॉ कर देता हूँ, ये बेटा इसका वेलोसिटी का वेक्टर आ गया। तो आप याद करें मैंने फ्रिक्शन के लिए आपको एक ट्रिक बताई थी, मैंने कहा था आपने जब भी कोई बॉडी मूव करे तो उसके मूव करने में आपने वेलोसिटी को आइडेंटिफाई करना है और उस वेलोसिटी से हमेशा फ्रिक्शन में क्या होना है, फ्रिक्शन में उसके अपोजिट जाना है। तो इसका मतलब फ्रिक्शन को वेलोसिटी के अपोजिट होना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वो कह रहे हैं विच इज द फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन ऑन द बॉक्स, तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है दैट इज द फ्रिक्शन अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट, कि ये अप द स्लोप जा रहा है, फ्रिक्शन को कहाँ होना चाहिए, इससे अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये बात भी क्लियर है। नेक्स्ट वन, तो द मास ऑफ ऑब्जेक्ट पी इज ग्रेटर देन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्यू। अच्छा जी, मास ऑफ पी इज ग्रेटर देन मास ऑफ क्यू। द ऑब्जेक्ट कंटेन्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ मैटर एंड हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस टू चेंज द मोशन। रेजिस्टेंस टू चेंज द मोशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है एंड यू नो द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। ये इसने जो स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड किया है तो इसको, इस रेजिस्टेंस टू चेंज द मोशन को हम क्या कहते हैं बेटा, वी ऑल नो दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। रेजिस्टेंस टू चेंज द स्टेट इज नोन एज इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। इनर्शिया, कोई भी बॉडी अपनी आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो रेजिस्ट करती है, जैसे कार है आप उसको पुश कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, तो वो मोशन में आने के लिए आप उसकी स्टेट चेंज करना चाह रहे हैं ना। देखें दुनिया में किसी भी बॉडी की बेटा दो स्टेट्स होंगे, या तो वो रेस्ट में होगी या वो मोशन में होगी। अगर वो कार जैसे रेस्ट में, आप चाहते हैं कि वो मोशन में आ जाए, आप उस पर फोर्स लगाते हैं, जब आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करती है, वो रेजिस्ट करती है। ये जो उसका रेजिस्ट करना है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इसको हम इनर्शिया कहते हैं, ठीक है, दैट इज इनर्शिया। और इनर्शिया के लिए हमारी नोटबुक में एक रिलेशन लिखा हुआ होगा दैट मास इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल विद इनर्शिया, ये मैंने क्लास में लिखवाया होगा। जिस बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा,
जैसे मैंने क्लास में एग्जांपल दी होगी कि अगर एक चेयर है उस पर कोई स्टूडेंट नहीं बैठा, हम उस पर फोर्स लगाएं तो हम इजीली उसको डिस्प्लेस कर लेते हैं, लेकिन अगर उसी चेयर पे एक स्टूडेंट बैठ जाए और हम उसके ऊपर फोर्स लगाएं तो हम उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकेंगे, वी नीड लार्जर फोर्स। तो इसका मतलब मास बढ़ा तो रेजिस्टेंस टू चेंज द स्टेट जो है वो क्या हो गई, वो भी बढ़ गई। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। तो अब बेटा इस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट का जो की पॉइंट था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। दोबारा से इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये कह रहे हैं कि द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पी इज ग्रेटर देन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्यू, द ऑब्जेक्ट कंटेन्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ मैटर एंड हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ मोशन, विच रो इज करेक्ट। अब ऊपर इसने क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, इसने ऊपर हमें इसके कॉलम हेडिंग है ग्रेटर अमाउंट ऑफ मैटर, ग्रेटर रेजिस्टेंस टू चेंज द मोशन। अच्छा, अब ये अगर हम इसकी ऑप्शन पढ़े बगैर सोचें तो हमें यहां से इनर्शिया के इस रिलेशन से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उस बॉडी का इनर्शिया भी ज्यादा होगा। मास किसका ज्यादा है बेटा, यहाँ पर उसने इंफॉर्मेशन शुरू में दी है, तो मास ऑफ पी इज ग्रेटर। तो मास जब पी का ग्रेटर है तो जो वो है इनर्शिया है वो भी पी का ज्यादा होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस टू चेंज द स्टेट, यहाँ पर पी में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, तो ये बी और डी को मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब इस वाले ग्रेटर अमाउंट पे आ जाएं तो हमें पता है कि ग्रेटर अमाउंट मास ऑफ पी इज ग्रेटर देन द मास ऑफ क्यू, तो ये ऑप्शन गलत है, तो इसका मतलब सी भी गलत हो गया। द करेक्ट ऑप्शन दैट वी आर लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए, ये हमारा ऑप्शन ए बन गया। मेरा ख्याल है इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन, फोर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस आर सिचुएटेड इन प्लेसेस विद डिफरेंट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, यानी जी की वैल्यूज डिफरेंट हैं और उनके मासेस भी डिफरेंट होंगे। विच ऑब्जेक्ट हैज ग्रेटेस्ट वेट, इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ये सिंपल कैलकुलेटर की कैलकुलेशन कराने की कोशिश की जा रही है। तो यू नो दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, अब आप इस मास को इस जी के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है अब मैं वन बाय वन सबको लिख लेता हूँ। तो 3 × 10.4 ये मेरे पास आ रहा है बेटा 31.2, फिर सेकंड वन है 3.5 × 9.5, ये मेरे पास आंसर आ रहा है 33.25 न्यूटन। उसके बाद बेटा मेरे पास है 4 × 10.2, ये मेरे पास आ